हाय यूट्यूब, दिस इज़ देव एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। तो आज मैं स्पेशली इंडियन पैरट्स, जैसे कि अलेक्जेंड्राइन है, रेड हेडेड पैरट्स हैं, प्लम हेडेड पैरट्स हैं, इंडियन रिंगनेक पैरट्स हैं, इनका मोल्टिंग सीज़न क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। मोल्टिंग किसे कहते हैं उसके बारे में भी बात करूँगा, और उस टाइम पे किस तरह का खाना देना चाहिए उसकी भी बात करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको जानना ये है कि मोल्टिंग किसे कहते हैं। तो गाइस, मोल्टिंग उस स्टेज को कहते हैं जहाँ पे कोई परिंदा, कोई बर्ड अपने पुराने फेदर्स गिराता है और उसके न्यू फेदर्स आते हैं, राइट। उस वक्त को हम मोल्टिंग कहते हैं, उस वक्त को हम मोल्टिंग पीरियड कहते हैं। तो इंडियन पैरट्स में, चाहे वो कोई भी इंडियन स्पीशीज़ हो इंडियन पैरट का, उनमें जब वो बच्चा होता है, राइट, उसमें पहली बार पहले फर्स्ट टाइम में दो बार वो साल में मोल्टिंग करते हैं, और जैसे ही वो 1.5 साल के ऊपर हो जाता है वैसे ही वो हर साल एक बार मोल्टिंग करता है, राइट। तो अगर आपके पास कोई बड़ा बर्ड है, सपोज़ कीजिए आपके पास अलेक्जेंड्राइन है, इंडियन रिंगनेक है, या फिर कोई भी XYZ कोई भी इंडियन पैरट है, चाहे मुस्टाच पैरट है, उनका जो ब्रीडिंग टाइम, सॉरी, जो मोल्टिंग टाइम है वो अभी है। अभी देखिए जून एंड हो रहा है, तो इनका मोल्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है जून के स्टार्टिंग से, और ये चलता रहेगा मिड जुलाई तक, ठीक है। मोस्टली जून के स्टार्टिंग से मिड जुलाई तक आप ये नोटिस करेंगे कि पुराने फेदर्स गिर जाते हैं और नए फेदर्स आ जाते हैं आपके बर्ड्स के बॉडी में, और उससे उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा शाइनी बन जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए पुराने फेदर्स, कई बार कोई फेदर टूटा हुआ होता है, कोई फेदर ख़राब हो गया होता है, कोई फेदर ऐसा भी होता है कि उनको चुभ रहा हो, राइट, टूटने की वजह से। तो जैसे ही वो पुराने फेदर्स मतलब चले जाते हैं और न्यू फेदर्स आते हैं, तो आपके बर्ड को भी राहत मिलती है, उनका उनके बॉडी को देख के आप बता सकते हैं कि उनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है मोल्टिंग के टाइम पे, ताकि आपके बर्ड्स के फेदर्स एकदम अच्छे से आए, बहुत ब्राइट फेदर्स आए और आपका बर्ड ज़्यादा कलरफुल लगे, इसके लिए आपको क्या करना है वो आज मैं बताऊँगा। छोटी छोटी टिप्स है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उसके डाइट का, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी बर्ड है, उसकी डाइट में आपको प्रोटीन का सोर्स जो होता है वो आपको बढ़ा देना है, और फैट का जो सोर्स है वो बढ़ा देना है इस 1.5 महीने के अंतर्गत। तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपको दे सकते हैं, आप इनको पीनट्स दे सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, ऑब्वियसली पीनट में फैट होता है वो आप दे सकते हैं। आमंड आप चाहे तो दे सकते हैं, आपके पास अगर सनफ्लावर सीड्स है सनफ्लावर सीड्स दीजिए आप, चिकपीस मतलब भीगे हुए चने आप उनको दीजिए, मूंग दाल भिगो के दीजिए, जितने भी दाल है उनको भिगो के दीजिए, दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इनको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा उससे, और इनकी जो फेदर्स आएंगी ना वो डल नहीं आएंगी, वो एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि फीके फीके फेदर्स नहीं आएंगे, इनके जो फेदर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होंगे इनके फेदर्स। तो गाइज, इन्हीं सब बातों का आपने ध्यान रखना है, अगर आपने इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रख लिया तो आपके बर्ड्स बहुत सुंदर लगेंगे मोल्टिंग के बाद, और उनको भी उनकी बॉडी में भी उनको अच्छा फील होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनके फेदर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके बॉडी में एज सच कुछ स्किन डिजीज़ वगैरह फिर फेदर डिजीज़ नहीं होगा। तो यही वीडियो थी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी ये वीडियो, एंड अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का ध्यान रखिए गाइज, हैप्पी पेटिंग एंड स्टे सेफ, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।